वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। एज यू नो, हम लोग जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने देखा कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन जो है, इसके कई सारे टाइप्स है या स्टेप्स है। तो हमने सबसे पहला देखा ब्रीदिंग। अब हम जो है वो आज इस वीडियो के थ्रू देखने वाले हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ना देखो, एन एल्वियोलस कंसिस्ट ऑफ अ लेयर ऑफ सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे कि आप पहले भी बात कर चुके हैं कि जो भी एल्विओल्स होते हैं, मतलब जो भी बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका जो लेयर है वो स्क्वैमोस एपिथेलियम से बना हुआ है। ठीक है, देन इट इज इंटीमेटली एसोसिएटेड विद अ डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो भी एल्विओल है, इसका जो स्क्वैमोस एपिथेलियम का लेयर है वो बहुत ज्यादा इंटीमेटली, मतलब बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट में है नंबर ऑफ कैपिलरीज के। वहां से बहुत सारे ब्लड वेसल्स जो है, कैपिलरीज जो है वो गुजरते हैं, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैस जो है वो आसान हो सके। देन द कैपिलरी वॉल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम रेस्टिंग ऑन द थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो भी ये कैपिलरीज है, कैपिलरीज का जो वॉल है वो भी स्क्वैमोस एपिथेलियम से बना हुआ है, जो बहुत ही पतला है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक है, देन बोथ द लेयर्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड आर थिन वॉल्ड। दोनों ही एल्विओल की जो वॉल है प्लस कैपिलरी की जो वॉल है, दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। सेम इसलिए है क्योंकि दोनों की जो लेयर है, वॉल है, दैट इज मेड अप ऑफ स्क्वैमोस एपिथेलियम, जिस वजह से जो भी ये प्रोसेस है वो ज्यादा इजी हो जाती है। तो दोनों का जो स्ट्रक्चर है, दोनों लेयर का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है और थिन वॉल है, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ये आसान हो। देन टुगेदर दे मेक अप द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन थ्रू विच गैसेस एक्सचेंज ऑकर, दैट इज बिटवीन द एल्विओलर एयर एंड द ब्लड। नाउ दोनों मिलकर, दोनों कौन, कैपिलरीज एंड एल्विओल के जो वॉल है, ये दोनों मिलकर जो है वो एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाते हैं, जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज आसानी से होती है एल्विओल और ब्लड के बीच में। जो भी एल्विओल और एयर है, एल्विओल में जो एयर आ रही है, ठीक है, उसमें और जो भी ब्लड वेसल्स हैं, जिसमें ब्लड सेल्स हैं, इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ गैस जो है वो आसान हो जाती है। देन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस विल टेक्स प्लेस फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर पार्शियल प्रेशर अंटिल द पार्शियल प्रेशर इन द टू रीजन रीचेस इक्विलिब्रियम। ना देखो क्या बोल रहे हैं कि जो भी एयर है, इसका डिफ्यूजन, मतलब एयर अंदर कब तक के आएगी, जब तक के बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर सेम नहीं हो जाता, तब तक के जो भी एयर है ये अंदर जो है वो डिफ्यूज होते रहेगी। इसे कहा है क्या, लोअर पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एयर अंदर आएगी वो कहाँ पर आएगी, क्यों, क्योंकि एल्विओल में जो है वो लोअर पार्शियल प्रेशर है और बाहर हायर पार्शियल प्रेशर है। जब तक ये बाहर का और अंदर का पार्शियल प्रेशर सेम नहीं हो जाता, तब तक की ये एयर अंदर एंटर करते रहेगी। देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ब्लड एंटर्स द पल्मोनरी कैपिलरीज इज 45 mmHg, व्हाइल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्विओलर एयर इज 40 mmHg। नाउ देखो, जो भी ये डिफरेंस बोला है पार्शियल प्रेशर का, तो अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है ब्लड में, जो पल्मोनरी कैपिलरीज में एंटर कर रहा है, ठीक है, तो वो कितना है, 45 mmHg। ठीक है, यहाँ पे जो भी ये पल्मोनरी वेन्स है, यहाँ पे जो ब्लड है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसका प्रेशर कितना है, 45 mmHg। वहीं पे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एल्विओलर एयर में कितना है, 40 mmHg, मतलब कैपिलरीज में वो 45 mmHg है और एल्विओल में वो है 40 mmHg। तो कम कहाँ पे है, एल्विओल के अंदर, ठीक है, तो इसलिए वो वहां पे क्या करेगा, एंटर करेगा। देन ड्यू टू दिस डिफरेंस कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम द कैपिलरी इनटू द एल्विओल। अब जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्रेशर, पार्शियल प्रेशर कैपिलरी में ज्यादा है और एल्विओल में कम है, इसीलिए वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ क्या होगा, डिफ्यूज होगा। और यही कारण है कि जो भी ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अब क्या कर रहा है, ब्लड सेल्स से बाहर निकल रहा है, क्यों, क्योंकि अंदर में ज्यादा और बाहर में
कम है, इसीलिए वो ज्यादा से कहाँ पे मूव करेगा, कम की तरफ, जहां पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा है वहां से वो मूव करेगा उस एरिया में जहां पे पार्शियल प्रेशर कम है। पार्शियल प्रेशर ज्यादा है कहाँ पर, कैपिलरी में, और कम है एल्विओलाई में। ये जो भी अंदर का बलून लाइक स्ट्रक्चर है ये है एल्विओलाई, तो वो कहाँ से मूव करेगा, कैपिलरी से बाहर जाएगा कहाँ पर, एल्विओलाई में, ठीक है। देन सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ ब्लड इन पल्मोनरी कैपिलरी इज 40 mmHg, व्हाइल इन एल्विओलर ब्लड इट इज 104 mmHg। अब देखो यहाँ पे उल्टा है, अगर हम बात करें तो पल्मोनरी कैपिलरी जो है, पल्मोनरी कैपिलरी में जो भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वो क्या है, कम है, और एल्विओलर में पार्शियल प्रेशर क्या है, ज्यादा है। ब्लड में पार्शियल प्रेशर कितना है, 40 mmHg, और एल्विओलर में पार्शियल प्रेशर कितना है, 104 mmHg। तो ज्यादा कहाँ है, एल्विओलर में, और कम है कैपिलरी में, तो वो कहाँ से मूव करेगा, वो एल्विओलर से मूव करेगा कहाँ पर, देखो एल्विओलर से मूव करेगा कहाँ पर, कैपिलरी में, जहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, RBCs, रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है। इस तरह से एल्विओलर से ऑक्सीजन कहाँ पर चला जाएगा, ब्लड सेल में, ठीक है। तो इस तरह से जो भी पार्शियल प्रेशर है उसके वजह से एक जगह हायर प्रेशर एरिया, एक जगह लोअर प्रेशर एरिया, अगर हायर प्रेशर एरिया कैपिलरी में है और लोअर प्रेशर एरिया एल्विओलर में है तो कैपिलरी से कहाँ मूव करेगा, एल्विओलर में। ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड के समय, और ऑक्सीजन के समय क्या हो रहा है, कैपिलरी में जो भी पार्शियल प्रेशर है वो कम है और एल्विओलर में ज्यादा है, इसीलिए उल्टा, जो भी एल्विओलर है इसमें कम है और कैपिलरीज में ज्यादा है, इसलिए वो मूव करेगा फ्रॉम एल्विओलर टू कैपिलरी, ठीक है। तो इस तरह से जो भी एल्विओलर है इसमें इसका प्रेशर कितना रहेगा, 104 mmHg, और जो भी ब्लड कैपिलरी है इसमें रहेगा 40 mmHg। तो इसीलिए एल्विओलर से फ्रॉम हायर प्रेशर एरिया वो मूव करेगा इनटू द ब्लड सेल जहाँ पे लोअर प्रेशर एरिया है, ठीक है। ड्यू टू दिस डिफरेंस इन ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्विओलर टू कैपिलरी, और ये डिफरेंस की वजह से जो भी ऑक्सीजन है वो एल्विओलर से डिफ्यूज करेगा इनटू कैपिलरी विद द हेल्प ऑफ दिस। मतलब आप इन शॉर्ट ये समझ लो कि पार्शियल प्रेशर जहाँ पे ज्यादा रहेगा वो वहां से मूव करेगा जहाँ पे कम रहेगा वहां पर, ठीक है। इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो कैपिलरी से बाहर मूव करेगा, इन केस ऑफ ऑक्सीजन वो एल्विओलर से कैपिलरी में मूव करेगा। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है इंटरनल रेस्पिरेशन, वो हम पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही, टिल देन थैंक यू वेरी मच।